तो हमने अभी तक ये किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या था, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज एनर्जी। इसको कैसे किया, इसको ऐसे किया कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, तो हमने कितनी एनर्जी दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई, तो वर्क एनर्जी की वैल्यू आ गई जूल में। अगर क्वेश्चन ये आया कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गया, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये जो एनर्जी है दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो भी एनर्जी है इज हाफ एम वी स्क्वायर, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा, वहां से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। दूसरा, फिर हमने किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के हमारे पास तीन तरीके थे। पहला, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जिसमें फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल को लिखना। दूसरा तरीका था वर्क डन बाय चार्ज। ये जो वर्क डन था ये एक्सटर्नल का वर्क डन था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन नहीं था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर एक और था माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये भी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क डन बाय चार्ज में, जब हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें ये फाइनल पोटेंशियल है और ये इनिशियल पोटेंशियल है, ये भी किया। इसके बाद हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें टेस्ट चार्ज, इमेजिनरी चार्ज 5 कूलम को ए से बी पे रखा, ये फिक्स चार्जेस हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना था। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय कितने चार्ज को उठा के रखा, 5। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल का डिफरेंस, क्योंकि चार्ज को ए से बी पे रखा तो बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब अगर मैं इस 7 और 9 कूलम की वजह से ए पे पोटेंशियल पूछूं, तो 9 कूलम यहाँ पोटेंशियल लगाएगा, 7 कूलम यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा, ऐड करके वी आ जाएगा। सिमिलरली बी पॉइंट पर 9 कूलम पोटेंशियल लगाएगा, 7 कूलम लगाएगा, तो वी भी आ जाएगा। तो वी बी और वी ए को यहाँ पुट करके वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, कभी भी दो चार्ज पार्टिकल अगर मान लो फाइनाइट दूरी पे हैं और छोड़ के रिपल्शन की वजह से वो इनफाइनाइट दूरी पे चले जाएं, या उल्टा इनफाइनाइट दूरी से फाइनाइट पे आ जाएं, एक ही रूल लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी शुरू में और एंड में सेम। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, इनको हमने यहाँ से फेंका, तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और जब ये बिल्कुल फाइनाइट डिस्टेंस पे आके रुक गए, इसके पास नहीं आ पाए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन्हें पास नहीं आने देगी, तो इनका टोटल सम कांस्टेंट है। जब ये इनफाइनाइट पे थे पोटेंशियल क्या थी, 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि दो पार्टिकल हैं, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये फाइनाइट दूरी पे आ गए, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E × E / r0 है, और काइनेटिक यहाँ पर क्या हो गई, 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने किया इसमें सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की एनर्जी कैसे निकलेगी पोटेंशियल, दो दो करके लेनी है, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी, ऐड करके आंसर। फिर 4 चार्जेस की कैसे लेनी है, पहले इसकी फिर 4 की, टोटल 6 पेयर ऑफ एनर्जी निकलेगी आंसर। तो ऐसा किया। उसके बाद हमने किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, जब पार्टिकल लीनियर एक ही लाइन में है, तो पहले एनर्जी निकली Q1 Q2 की, फिर निकली Q2 Q3 की, फिर निकली Q1 Q3 की, ऐड करके आंसर। फिर ऐसा क्वेश्चन किया कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, सम ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूरी सिस्टम की 0 है, गिवन है, आपको चार्ज की रेशियो निकालनी है। तो पहले आप एनर्जी निकालें माइनस क्यू क्यू की, फिर आप एनर्जी निकालें क्यू माइनस क्यू की, फिर आप एनर्जी निकालें माइनस क्यू की, ऐड करें, इक्वल टू 0 करें, अपने आप क्यू बाई क्यू की रेशियो आ जाएगी। ये भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ चार्ज क्यू इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ये क्यू चार्ज है, आर रेडियस में घूम रहा है, और ये कैपिटल क्यू चार्ज है।
तो सर्कल में घूम रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा जब मैं इस चार्ज को ए से बी पॉइंट पे लेके आऊंगा या कहीं भी लेके आऊंगा? जीरो। रीजन, आप ये बताओ ये क्यू चार्ज यहां पर कुछ पोटेंशियल लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर, फिर ये क्यू चार्ज यहां भी पोटेंशियल लगाएगा सेम, फिर ये क्यू चार्ज यहां भी पोटेंशियल लगाएगा सेम, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन की वैल्यू भी जीरो है। तो आप एक चार्ज के आसपास कहीं भी एक चार्ज को उठा के रख दो, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मानी जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने में बता रहा हूँ फाइनल्स के अंदर। ठीक, तो थ्योरीज क्या है, डेरिवेशंस क्या है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे आपको मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, और मेरे टेस्ट में भी। ठीक, नेक्स्ट है, देखो जो रिटेन कर सकते हो कर लो, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 8-10 तो निकाल ही दूंगा कम से कम कल के क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। ठीक, नेक्स्ट है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीन चार्जेस हैं जिनके बीच में दूरी 1 1 1 है, मैंने इनको 0.5 0.5 0.5 मीटर पे रख दिया, ऐसा करने में मेरे को क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा? पहले इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल लो, जब ये 1 मीटर दूर थे तो पहले एनर्जी किसकी निकलेगी? इन दोनों की प्लस इन दोनों की प्लस इन दोनों की, तो इनिशियल एनर्जी आ गई। फिर इनके बीच में दूरी कितनी होगी? 0.5 मीटर होगी, तो फिर एनर्जी निकलेगी इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, जब डिस्टेंस 0.5 है, दोनों एनर्जीज को माइनस कर दो, क्या आएगा? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, इसके ऊपर कल के टेस्ट के अंदर ज्यादा नहीं है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन मतलब टेस्ट है, क्योंकि अभी अभी इसकी प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, तो अभी इतना भी नहीं है कि आज करवाया रात को प्रैक्टिस कर ली कल सुबह उतरा, नहीं हो पाएगा, तो आपको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दूंगा मैं आपको, आप आराम से प्रैक्टिस करें, शेल्स की प्रॉब्लम भी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट संडे को फिर पूरा पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का पहला एनसीईआरटी का बड़ा टेस्ट है। ठीक, कल भी है, कल भी बेसिक है, उसके बाद भी बेसिक है, उसके बाद इसको क्लोज करके फिर कॉम्पिटिशन के टेस्टिंग ही स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आप पहले इसकी थोड़ी 8-10 दिन और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद पुराने पेपर्स करें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कोई जल्दी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक टेस्ट होना है, ठीक तरीके से देंगे एंड में। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो कल भी बेसिक टेस्ट है, पॉइंट चार्जेस पे ज़्यादा है, एक आध क्वेश्चन शायद ऐसा आ जाए बहुत सिंपल जिसमें आप कैसे लगाते हैं ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, ये पता होना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, जितने क्वेश्चन हम करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, तो जब मैं बोलता हूँ मैं यहाँ से यहाँ गया, ए से बी पे गया, सी से डी पे गया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दो पॉइंट्स लेता हूँ, तो यानी कि डी आर की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेता हूँ, तो ई वेक्टर भी डी आर वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो फॉर्मूला क्या लगता है? ई इज माइनस डी वी बाई डी आर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और मैं दो पॉइंट यहाँ लूँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले टेढ़े, जो कि लेता नहीं ऊपर, अगर ले लूँ तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा? ई कॉस थीटा माइनस डी वी बाई डी आर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वैक्टर एंड डी आर वैक्टर। कोई डाउट इसमें? तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ये बताया था कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल की वैल्यू गिरती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ये भी क्लियर है। इसके बाद ये लगाना सिखाया था कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर पोटेंशियल 15 वोल्ट है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल गिर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं जाएगा, तो कहाँ गिर रहा है? राइट गिर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ मूव करेगा। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसके अंदर डी वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अगर आप ए से बी पे जा रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, ऐसे सिखाया था कि अगर मान लो आप ऐसे जा रहे हैं तो ये आपका कौन सा पॉइंट है इनिशियल, ये आपका कौन सा पॉइंट है फाइनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, और कोऑर्डिनेट में भी क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, सॉल्व करके ई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे लगेगा? ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है? अगर यही लाइन ऐसे की बजाय वाई एक्सिस में होती तो ई इज माइनस डी वी बाई डी वाई हो जाता, इसमें ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स है। ये एक टाइप की प्रॉब्लम थी। फिर दूसरी टाइप की प्रॉब्लम थी
जिसके अंदर आपको v गिवन है और e निकालना है, e गिवन है और v निकालना है। अगर आपको v गिवन है e निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन, अगर आपको e गिवन है v निकालना है तो इंटीग्रेशन। ये किया था तो इसमें ये सिखाया था, अगर आपको v x की फॉर्म में गिवन है तो e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स करके v की वैल्यू पुट करके, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग सब कुछ है तो पीछे आई कैप लगा के आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 2y होता तो यहाँ पर क्या जाता, y आ जाता और यहाँ पर j कैप आ जाता। लेकिन अगर यही क्वेश्चन के अंदर v x में भी है, y में भी है, z में भी है और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ लगता है जहाँ पर v इन टर्म्स ऑफ x, y, z तीनों हों या x या y हों। ये पॉइंट क्लियर है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, अब उल्टा काम था, अब ये सबसे ट्रिकी था। E गिवन है और V निकालना, ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े थे वो यही थे, तभी लास्ट लेक्चर आपको बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो आपको अजीब लगेगा ही, क्योंकि ऐसी आदत नहीं आपको करने की। अब वही लेक्चर को 3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा, वही E की वैल्यूज अभी देखना ख़त्म हो जाएंगी। रूल एक कि E वेक्टर अगर गिवन है और V निकालना है या DV निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो DV इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR। अगर आपका E वेक्टर x, y के अंदर कोऑर्डिनेट्स में चल रहा है तो आप dr वेक्टर को लिखेंगे dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। अगर आपको ये मालूम है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x में है, y है ही नहीं, सिर्फ x है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ x लिख देना, y और z की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक। पर अगर आप लगा भी लेंगे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अपने आप उन टर्म्स को उड़ाता जाएगा। तो अगर आपको ये टेंशन होती है मैं क्या लूँ, तो कुछ मत लो, आप तीनों चीज़ों ले लो, आप हर वक्त dr को पुट करते जाओ, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको e वेक्टर गिवन है और आपको dv निकालना है तो आप e वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करें, dr की जगह वैल्यू पुट करें, डॉट प्रोडक्ट लें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें y और x में u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है कि जैसे y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, तो डिफ्रेंशिएशन x इंटू y, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप बस में कैंसिल करते हुए ये आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को मिलेगा। ये एक टाइप की प्रॉब्लम थी। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम थी कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी है, वाई में भी है, ई नॉट है और टू ई नॉट है, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कहाँ पे, एक्स नॉट जीरो पे। तो हमारे जो पॉइंट है जहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड में नहीं है। आप चेक कर लो, ये रहा, यहाँ निकालना है। फिर आपको सिंपल क्या करना है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर मत लें, सीधा एक्स नॉट आई कैप लें, डॉट प्रोडक्ट लें, आंसर आ जाएगा, क्लोज। आपको पता ही है कि दो पॉइंट x एक्सिस में है तो फिर x एक्सिस के पीछे i कैप लगा दें, ठीक है यहाँ तक। जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि दो पॉइंट्स कहाँ पर है, x, y, z में है, फिर dr वेक्टर लगा दें, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। जब पता ही है कि x में काम चल रहा है तो x नॉट i कैप, अगर मान लो दो पॉइंट y एक्सिस में होते तो y नॉट j कैप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन था, अगर आपको E वेक्टर ऐसे गिवन है और V ए बी निकालना है और आर ए और आर बी वेक्टर गिवन है, इकलौता एक ही क्वेश्चन है ऐसा। तो अगर आपको V ए बी निकालना है तो मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करने को कहा था, V ए माइनस V बी, ये फॉर्मूला, इसके अंदर A का मतलब फाइनल, B का मतलब इनिशियल है, तो इसलिए B इनिशियल और फाइनल ऐसे लगती है, लिमिट में इनिशियल फाइनल और यहाँ पर फाइनल इनिशियल। तो आपको इस क्वेश्चन में E वेक्टर गिवन है, क्योंकि E वेक्टर x, y, z सब में चल रहा है, तो dr वेक्टर की जगह सेम वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट ले लें। इसमें लिमिट ऐसे पुट करते हैं, rb वेक्टर, rb वेक्टर का कोफिशियंट है 2, 1, -2, ra वेक्टर का कोफिशियंट है 1, -2 और 1, यहाँ पे पुट कर दें rb और ra की जगह, इस डॉट प्रोडक्ट लें, ये आंसर आएगा। डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करें, 2dx की इंटीग्रेशन 2x है, ये 3y है और ये 4z है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, एक बार एक्स वाई जेड की जगह अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस करके आंसर। इकलौता एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बार बार नहीं आता ये। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी और सी, तीनों में वोल्ट्स गिवन है, 16 वोल्ट, 4 वोल्ट, 12 वोल्ट, और आपको नेट ई निकालना है, तो आपको ये पता लग रहा है कि क्वेश्चन एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, तो आप एक लाइन खींचे पहले एक्स एक्सिस में, यहाँ पे लगाएं E इज माइनस डी वी बाई डी एक्स तो ई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे लगाएं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई तो ई वाई आ जाएगा। तो एक बार ई एक्स आएगा, एक बार ई वाई आएगा और नेट आंसर आएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप आंसर। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ये भी अलग टाइप की प्रॉब्लम है, इसी में लगेगा, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना।
नेट ई पूछा है इसमें, नेट ई निकालना है, तो नेट ई एक्स में भी है और वाई में भी है, तो एक यहाँ पे दोनों में लगेगा वो, इसमें नहीं इसमें दिख रहा है ना, एक्स में भी वी चल रहे हैं वाई में भी चल रहे हैं तो दोनों में लगेगा ना, वाई को आंखें बंद नहीं कर सकते, वाई में नहीं लग रहा। ठीक, नेक्स्ट है, इकलौता एक और क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे एक लाइन अगर खींच लें, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें उसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन पे बी और ए पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सी और बी का, या सी और ए का, एक ही बात है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सी और ए का होगा वही सी और बी का होगा, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल सेम है। फिर आपने सी और बी का पॉइंट लेना है, सी और बी पॉइंट में ई इज इक्वल टू माइनर डी वी बाई डी एक्स लगा लेना है। बस फर्क यह है क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स नेगेटिव एक्स में, तो ई की वैल्यू प्लस 300 पुट नहीं करनी, माइनस 300 पुट करनी है। तो माइनस 300 इज माइनस डी वी बाई डी एक्स अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ हो तो प्लस 300 इज माइनस डी वी बाई डी एक्स लगाना है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया इसमें। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या करना है, एक यही क्वेश्चन था जिसमें ई और डी आर में एंगल 120 था। कैसे, ये लाइंस गिवन आपको इक्विपोटेंशियल लाइंस, जिसमें 30 वोल्ट की लाइन है, ये 20 वोल्ट की लाइन है, या 10 वोल्ट की लाइन है। हर पॉइंट पर वी की वैल्यू 30 रहेगी, यहाँ पर 20 रहेगी, यहाँ पर 10 रहेगी। आप एक काम करें, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करना है तो लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल लाइंस के साथ 90 डिग्री पे होता है। तो ये लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ लें, जैसे एक ये पॉइंट है इस इक्विपोटेंशियल पे 10 वोल्ट का है और ये 20 वोल्ट का है, दो पॉइंट पकड़ लें और मान लो ये आर वेक्टर ले लें। अब आर वेक्टर इस तरफ चला गया जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ई वेक्टर इधर जा रहा है, ई में और डी आर में एंगल बिल्कुल भी जीरो नहीं है, इस बार 120 है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ई कॉस थीटा इज माइनस डी वी बाई डी आर। अब इसमें मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा हूँ, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 20 माइनस 10, और कोऑर्डिनेट्स में 20 माइनस 10। तो यहाँ पर कॉस 120 माइनस हाफ है, यहाँ से ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। फिर हमने की इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के अंदर ये किया कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ई वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री पे विद इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ये रूल किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, कोई डाउट इसमें, तो ये रूल किया हमने। नेक्स्ट ये किया, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वी एंड एक्स, तो क्या सिखाया था, ये एक्स है और ये वी है ना, तो अगर मान लो एक लाइन जा रही है और इस लाइन की अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो डी वी बाई डी एक्स। लेकिन डी वी बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ई। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वी एंड एक्स विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू आपको देगा, ये नोट कर लें प्लीज, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स आपको ई की वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रूल क्लियर रहेगा। फॉर्मूला बुकलेट में एक और रूल नोट कर लो इसके साथ ही, क्या कि अगर आपको x या r, ये r और ये e और r का कर्व या ग्राफ गिवन हो, ठीक, और आप इसके नीचे का एरिया निकाल दें तो क्या देगा, एरिया अंडर e वर्सेस r की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी आर, है ना, ये होगा ना,
इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के बाद ई और आर का अगर एरिया निकालना हो तो ई और आर का मतलब ई इंटू आर क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नोट कर लें। रिजल्ट्स को नोट कर लें और बस ठीक है।